तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल SMII पे। और इस चैनल में हम आपके लिए लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ लेके आते हैं और आपको नए नए स्टॉक्स में निवेश की राय भी देते रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ओरिएंट होटल्स लिमिटेड के स्टॉक की। और इस स्टॉक में आज पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है, 0.95% की रैली है और ये जो स्टॉक है 63.95 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। अब आने वाले टाइम में इसके टारगेट क्या रहेंगे, इसके सपोर्ट लेवल क्या हैं, रेजिस्टेंस लेवल क्या हैं, आइए सारी डिटेल इसके एक एक करके चेक कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों, शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट में वॉलीटिलिटी होती है, तो इसीलिए हम आपको कहते हैं कि यदि आप अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में पिक करोगे, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स को पिक करोगे, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को पिक करोगे, तो आपका स्टॉक मार्केट में पैसा ज़रूर बनेगा। बस आपको क्या करना होगा, आपको होल्ड करना होगा फॉर द लॉन्ग टर्म। जब मार्केट वॉलेटाइल होती है दोस्तों, उसमें एक मौका होता है कि आप अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स को लो वैल्यूएशन पे पिक कर सकते हो। इससे आपके जो रिटर्न्स हैं वो भी मैक्सिमम हो जाते हैं। तो जैसे पिछले कुछ दिनों से स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी चल रही थी, अब स्टॉक मार्केट में फिर रिकवरी देखने को मिलती है। तो शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन देखने को मिलते रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो स्टॉक मार्केट है वो रैली ही करती है, पॉजिटिव ही मूव करती है। तो आइए बात करते हैं ओरिएंट होटल्स की। लेकिन सबसे पहले, यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो, पहले इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा। आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन भी जरूर प्रेस कर दें और इस वीडियो को आप अपने फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। सो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसके स्टॉक की पास्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो लास्ट 5 डे का डाटा देखें, 4.77% की करेक्शन इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। 1 मंथ का चार्ट पैटर्न देखें तो यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल चुका है। 9.41% की रैली इस स्टॉक में आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियरली इस स्टॉक में जो है ग्रोथ हो रही है। यदि 6 मंथ का डाटा देखें और बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, 58.10% के बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। 1 ईयर का डाटा देखोगे तो यहाँ पे भी आप हैरान हो जाओगे कि इस स्टॉक में 186% के मल्टीबैगर रिटर्न्स देखने को मिल चुके हैं। पहले इसमें बहुत ही फास्ट रैली हुई थी, फिर लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में कंसोलिडेशन भी देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद फिर सडनली जंप देखा गया इसके प्राइस में, फिर कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेशन हुई थी। अब फिर इस स्टॉक में आपको रैली देखने को मिल रही है, ब्यूलिश पैटर्न देखने को मिल रहा है। 5 ईयर का डाटा देखें, 52% के रिटर्न्स हैं और मैक्सिमम डाटा देखें तो यहाँ पे 321% के बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो आइए इसके लेटेस्ट न्यूज़ भी चेक कर लेते हैं, पहले इसके लेटेस्ट फाइनेंशियल्स जान लेते हैं। दोस्तों, इस कंपनी के मार्च 2022 के नंबर्स आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो रेवेन्यू है 66.08 करोड़ है। यहाँ पे 25% का जंप देखने को मिल गया है ऑन ए ईयर ऑन ईयर बेसिस। नेट इनकम देखें तो 4 लाख की है। यहाँ पे आपको 100% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। EPS में 100% की ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 100% के हिसाब से बढ़ रहे हैं और जो ऑपरेटिंग इनकम है वो भी 994% के हिसाब से बढ़ रही है। तो इसके सारे जो फाइनेंशियल्स पैरामीटर हैं बहुत ही पॉजिटिव ग्रोथ शो कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया रिकवरी शो कर रहे हैं। तो आइए इसके लेटेस्ट ट्रेंड जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ICICI डायरेक्ट भी इस स्टॉक पे बहुत ही ब्यूलिश हैं, बहुत ही पॉजिटिव हैं एंड दे हैव गिवन ए टारगेट प्राइस ऑफ ₹80 ऑन दिस स्टॉक। तो आइए इस न्यूज़ को थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं, देख लेते हैं ये जो स्टॉक है कितने टाइम में अपने टारगेट को हिट करता आपको दिख सकता है। क्योंकि दोस्तों, ये जो कंपनी है होटल सेक्टर की कंपनी है और ये जो कंपनी है जैसे जैसे इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है वैसे वैसे टूरिज्म एंड ट्रैवलिंग सेक्टर में भी आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। तो इस सेक्टर में भी अच्छी रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है, इस स्टॉक में भी अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो ICICI डायरेक्ट की तरफ से ओरिएंट होटल्स पे 80 के टारगेट सुजेस्ट किए गए हैं फॉर ए टाइम पीरियड ऑफ नेक्स्ट 1 ईयर। तो नेक्स्ट 1 ईयर में इस स्टॉक में बहुत ही पॉजिटिव टारगेट जो है वो दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके कुछ और डिटेल चेक कर लेते हैं। तो ये जो कंपनी है एक स्मॉल कैप कंपनी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी का 1138 करोड़ का है और ये कंपनी 1970 में शुरू हुई थी और टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करती है। और इसका जो मेन रेवेन्यू है, इनकम है, दैट आल्सो कम्स फ्रॉम द इनकम फ्रॉम द रूम्स एंड रेस्टोरेंट। तो दोस्तों, हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म में ही इसका जो मेन रेवेन्यू है जनरेट होता है। फाइनेंशियल्स हम आपको बता चुके हैं, इसकी जो लेटेस्ट क्वार्टर की इनकम है 68.47 करोड़ की है। यहाँ पे 13% की नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, लेकिन 26% का जंप देखने को मिला है ऑन ए ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो जैसे हमने आपको पहले भी बताया है,
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका इन्वेस्टमेंट रैशनल जान लेते हैं, देख लेते हैं कि ब्रोकरेज इस पे क्यों ब्यूलिश है। दोस्तों ओरिएंट होटल्स का जो रेवेन्यू है क्वार्टर फोर का फाइनेंशियल ईयर 22 का, जैसे कि आपने देखा है, दिस हैज़ बिन रिड्यूस बाई 13% ऑन ए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। दिस इज़ ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द लॉकडाउन ड्यूरिंग द जनवरी 2022 ऑन द अकाउंट ऑफ ओमिक्रॉन। तो जैसे आपको पता है ओमिक्रॉन का फियर भी आया था, लॉकडाउन भी हुआ था, उसके कारण जनवरी में भी इम्पैक्ट हुआ था इस कंपनी का बिजनेस। इसके कारण क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसके बिजनेस में नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला है, इसका रेवेन्यू भी रिड्यूस हुआ है, मार्जिन जो है वो भी आपको लोअर दिखे हैं 800 BPS टू 17.5%। दिस लेड टू द मार्जिनल पैट ऑफ 4 लाख। तो इसी के कारण ही दोस्तों इस कंपनी का जो पैट था दैट वॉज वेरी मार्जिनल, दैट इज़ ₹4 लाख ओनली बाय 9.2 crores रिपोर्टेड इन द Q3। Q3 के कंपेरेटिवली बहुत ही मार्जिनल जो है पैट इसका रिपोर्ट किया गया है। यदि फुल ईयर का देखें डाटा फाइनेंशियल ईयर 22 का, द रेवेन्यू ग्रू बाई 189% ऑन ए ईयर ऑन ईयर बेसिस टू ₹219 crores। इट वॉज स्टिल लोअर दैन 34% दैन द प्री पॉन्डेमिक लेवल। तो दोस्तों ओवरऑल इसकी जो फाइनेंशियल ईयर की रेवेन्यू की ग्रोथ है बहुत ही इनकर्जिंग है, बहुत ही पॉजिटिव है, लेकिन अभी भी इसका जो बिजनेस है वो 34% लोअर ही शो हो रहा है प्री पेंडेमिक लेवल से। द माइनर ब्लिप इन द रेवेन्यू इज टेम्परेरी एज फॉरवर्ड होटल बुकिंग डाटा सुजेस्ट स्ट्रॉन्ग बॉयंसी इन द डिमांड विद होटल बुकिंग फॉर द मार्च मई क्रॉसिंग प्री पेंडेमिक लेवल्स लेड बाई वेडिंग सीजन वेकेशंस एंड IPL मैचेस। तो आप देख सकते हो दोस्तों आने वाला टाइम जो है बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छा है होटल सेक्टर के लिए, बहुत ही अच्छा है क्योंकि जो होटल की बुकिंग शो हो रही है जो डाटा शो हो रहा है दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट इज़ शोइंग इंक्रीज इन द डिमांड। तो इसकी डिमांड भी बढ़ रही है, होटल बुकिंग भी बढ़ रही है एंड इट विल क्रॉस द प्री पेंडेमिक लेवल क्योंकि IPL मैचेस भी आएंगे, वेकेशंस भी आएंगी, वेडिंग सीजन भी आएगा। तो इसी के कारण दोस्तों मार्च से लेके मई तक बहुत ही शानदार जो है रिकवरी देखने को मिलेगी इन द होटल सेक्टर, स्पेशली इन द ओरिएंटल होटल्स, क्योंकि ये जो कंपनी है टाटा सेक्टर की कंपनी को बिलोंग करती है, इंडियन होटल्स को बिलोंग करती है। फर्दर विद द ओपनिंग ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर्स फॉर द फॉरेन टूरिस्ट एंड रिजम्पशन ऑफ द कॉर्पोरेट ऑफिसेज द ब्रोकरेज एक्सपेक्ट्स शार्प ट्रैक्शन इन द रेवेन्यू फ्रॉम द H1 फाइनेंशियल ईयर 23E ऑनवर्ड्स। तो आने वाले हाफ ईयर में इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रह सकती है, इसकी रिकवरी बहुत ही शानदार रह सकती है ऐसा मानना है जो ब्रोकरेज फॉर्म का, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी ओपन होंगे, फॉरेन टूरिस्ट भी आएंगे और कॉर्पोरेट ऑफिसेज भी जो है वो अपना काम शुरू करेंगे, रिज्यूम करेंगे। तो इसलिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छा मौका है कि इस स्टॉक में एंट्री बनाने का। टेक्निकल्स भी बहुत ही पॉजिटिव दिख रहे हैं, फाइनेंशियल्स आर आल्सो लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव एंड डिमांड आउटलुक इज़ रोबस्ट इन द करंट टाइम्स। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी जान लेते हैं। प्रमोटर के पास 67.56% का स्टेक है एज ऑन 31st मार्च 2022। FIIs के पास 0.05% का स्टेक है, DIIs के पास 7.36% का स्टेक है। तो बहुत ही मिक्स शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा मौका है, इस स्टॉक में आप पोजीशन बना सकते हो, धीरे धीरे करके इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसका पहला टारगेट जो है वो हमने आपको बताया है 80 का रह सकता है इन द नेक्स्ट 1 ईयर। तो 6 मंथ से लेके और 1 ईयर तक इस स्टॉक में आपको जो ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो दिस कंपनी की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है दोस्तों, इसके ग्रो नेट प्रॉफिट में जरूर ग्रोथ देखने को मिली है विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन, लेकिन जो करंट मार्क जो इसका रहा है क्वार्टर वो थोड़ा ढीला रहा है बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द ओमिक्रॉन। लेकिन आने वाले टाइम में इस कंपनी की शानदार रिकवरी होने जा रही है, ये आपको माइंड में रख के चलना होगा। तो अच्छा मौका है इसमें जो पोजीशन बनाने का और इसमें आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न हम आपको बता चुके हैं, मार्च 22 का डाटा देखें तो यहाँ पे FIIs खरीदारी कर रहे हैं लेकिन म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने इस स्टॉक में सेलिंग की हुई है। तो यहाँ पे मिक्स ट्रेंड देखने को मिल जाएगा। तो वैल्यूएशंस भी बहुत ही अट्रैक्टिव अभी दिख रही हैं दोस्तों, इसकी बिजनेस की रिकवरी बहुत ही शानदार है। तो एंड में हम आपका थैंक्स कहेंगे, आपने हमारे को टाइम दिया, हमारी वीडियो को सुना। दोस्तों किसी भी स्टॉक में आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट ना करें क्योंकि यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम नहीं है कि आपको फिक्स रिटर्न्स मिलेंगे, यहाँ पे रिस्क होता है। इसलिए आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एनालिसिस ज़रूर करें। सो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें, यहाँ पे भी हम आपको निवेश की राय देते रहते हैं और स्टॉक मार्केट में पोजीशन बनाने के लिए आपको नए नए स्टॉक जो है वो बताते रहते हैं।